हेलो दोस्तों, तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंट्राडे मेंटर कॉल पे। तो फ्रेंड्स, सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बेसिस पे आपको यहाँ पे सारा का सारा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है दोस्तों। तो आज जैसा कि मैंने लास्ट की वीडियो में आपको बताया था, बोरिंग कैंडल किसे कहते हैं, एक्साइटिंग कैंडल किसे कहते हैं, इसको कैसे पहचाना जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी, वो आप देख लीजिए। अभी आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, जोन का फॉर्मेशन। जो जोन होता है वो चार तरीके से फॉर्मेशन होता है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल्ड में जानेंगे दोस्तों, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी इसका देखेंगे कि प्रैक्टिकल चार्ट पे जो हमारा जोन है वो किस तरीके से फॉर्मेशन होकर के दिखता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, समय न वेस्ट करते हुए। सप्लाई डिमांड का पूरा कोर्स आपको मिलेगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जोन का फॉर्मेशन दोस्तों, हमारे पास दो तरीके के जोन होते हैं दोस्तों। पहला होता है डिमांड जोन, दूसरा होता है सप्लाई जोन। तो दोस्तों, जैसा कि ये पिक्चर आपको यहां पर शो कर रहा है कि आपके सामने टू फॉर्मेशन ऑफ डिमांड जोन है दोस्तों। तो ये जो डिमांड जोन है दोस्तों, ये दो तरीके से फॉर्मेशन होता है, कोर स्ट्रेटजी फॉर्मेशन है दोस्तों। पिक्चर ऑफ डिमांड जोन, ड्रॉप बेस रैली। ड्रॉप बेस रैली क्या होता है दोस्तों, मार्केट कहीं से गिर रहा है दोस्तों, रेड 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 कैंडल बन रही है दोस्तों, अचानक से मार्केट में एक पाउस बनता है, मार्केट रुक जाता है दोस्तों, वहां पर छोटी छोटी कैंडल्स बनती है जिसको हम बेस कैंडल कहते हैं, फिर वहां से मार्केट का जो डायरेक्शन होता है वो अपसाइड हो जाता है, यानी रैली आपको दिखने को मिलती है दोस्तों। तो इस फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ड्रॉप बेस रैली। तो दोस्तों, ड्रॉप बेस रैली का जो फॉर्मेशन होता है ये कहलाता है दोस्तों डिमांड जोन, ठीक है। ड्रॉप बेस रैली का जो फॉर्मेशन होता है ये कहलाता है दोस्तों डिमांड जोन। वही दूसरे तरीके से जो डिमांड जोन होता है दोस्तों, जो कि होता है आपका पिक्चर ऑफ डिमांड जोन, रैली बेस रैली, ये कंटिन्यूएशन ऑफ द मार्केट को शो करता है दोस्तों, और ये जो ड्रॉप बेस रैली है ये मार्केट के रिवर्सल को यहाँ पास शो कर रहा है दोस्तों, ठीक है। मार्केट गिर रहा है, उसको बेस बनाया, फिर वहां से मार्केट अप डायरेक्शन में मूव कर गया, इसको कहते हैं दोस्तों ड्रॉप बेस रैली, रिवर्सल को ये शो करता है दोस्तों, ठीक है। वहीं रैली बेस रैली जो है मार्केट के कंटिन्यूएशन को शो करता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, रैली कैंडल आती है दोस्तों, यानी नीचे से मार्केट क्या है, बुलिश है, अपसाइड आते आते एक मार्केट में पॉज आता है, मार्केट यहां पर रुक जाता है कुछ टाइम के लिए, एक दो तीन कैंडल, फिर वहां से मार्केट वापस से फिर से अप डायरेक्शन में मूव करने लगता है दोस्तों। तो ये जो पैटर्न बनाता है दोस्तों, इसको कहते हैं रैली बेस रैली। ये होता है आपका ओरिजिन ऑफ द मूव, जहां से मार्केट का रिवर्सल या मार्केट का कंटिन्यूएशन तय होता है, जहां पर डिमांड जोन हमारा बनता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इसको चार्ट पे देखते हैं ये किस तरीके से आपको यहां पास चार्ट में नजर आता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैंने यहां पे पहले ही मार करके रखा हुआ है दोस्तों, ताकि आप लोगों का टाइम ना यहां पास वेस्ट हो। तो पहला फॉर्मेशन जो होता है दोस्तों, पहला जो फॉर्मेशन है मेरा, ड्रॉप बेस रैली दोस्तों, ठीक है। इस कैंडल का ये ड्रॉप हुआ दोस्तों, ठीक है। ये जो कैंडल रेड कलर की कैंडल है दोस्तों, यहां पास मार्केट का जो सेंटीमेंट है, ये मतलब ये जो कैंडल बनी दोस्तों, ये एक ड्रॉप है दोस्तों, ठीक है। रेड कैंडल मतलब ड्रॉप कैंडल, ब्लू कैंडल मतलब बेस कैंडल, और ग्रीन कैंडल मतलब आपकी रैली कैंडल। इट कैन बी वन कैंडल और मोर देन वन कैंडल, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ये एक कैंडल भी हो सकती है या एक से ज्यादा कैंडल भी हो सकती है दोस्तों, तो इस चीज को बहुत ही ध्यान में रखिएगा। तो सॉरी, यहां पास क्या है, ये रेड कैंडल जो है ये आपका ड्रॉप को शो कर रही है, ये ब्लू कैंडल जो कि मैंने आपको बोरिंग कैंडल, बेसिंग कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल पढ़ाया है लास्ट वाली वीडियो पे, नहीं देखा है तो अभी लिंक पे, अभी डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक मिलेगा, वहां पे जाके देखिए बोरिंग और एक्साइटिंग कैंडल किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ड्रॉप कैंडल हो गई, ये बेस कैंडल हो गई, और ये हो गई आपकी रैली कैंडल दोस्तों। यहीं पास से आपका जोन मार्क होता है दोस्तों, ये जो जोन मार्क हुआ है दोस्तों यहाँ पास, इसको हम कहेंगे दोस्तों डिमांड जोन, ठीक है। चलते हैं फटाफट से अगले पैटर्न की तरफ। अगला पैटर्न हमारा क्या है दोस्तों, रैली बेस रैली। ये किस तरीके से दिखता है चार्ट पे, चलिए इसको अच्छे से देखते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये सनफार्मा का चार्ट आप लोग के सामने में लग चुका है दोस्तों। प्राइस क्या है, एक नीचे के डायरेक्शन से ऊपर के डायरेक्शन की तरफ आया दोस्तों, यहां पास कुछ बेस कैंडल बनाई, बेस कैंडल मतलब स्मॉल कैंडल, और फिर उसके बाद एक्साइटिंग कैंडल यहां पास बन गई दोस्तों, बड़ी बड़ी कैंडल, ठीक है। तो ये क्या बन गया पैटर्न दोस्तों, रैली बेस रैली। क्या हुआ दोस्तों, ये रैली बेस रैली, रैली बेस रैली का पैटर्न आपको इस तरीके से दिखता है दोस्तों यहां पास, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी जो यहां पास पैटर्न बना है दोस्तों, ये भी एक डिमांड जोन का ही पैटर्न है, जहां से प्राइस क्या है, अपसाइड की तरफ डायरेक्शन में मूव कर जाता है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले स्लाइड पे, देखते हैं वहां पास क्या है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, जहां पास आपको सप्लाई जोन के बारे में बताया हुआ है दोस्तों। टू फॉर्मेशन ऑफ सप्लाई जोन, केवल दो ही फॉर्मेशन हमारे सप्लाई जोन के होते हैं, दो ही फॉर्मेशन हमारे डिमांड जोन के होते हैं दोस्तों। ये कोर स्ट्रेटेजी का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। पिक्चर ऑफ सप्लाई जोन क्या है दोस्तों, मार्केट का जो रिवर्सल पॉइंट होता है, वहां पास आपको जो पैटर्न मिलेगा वो क्या मिलेगा, रैली बेस ड्रॉप।
तो फ्रेंड्स नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ आता है दोस्तों, रैली की कैंडल बनाते हुए, ग्रीन कैंडल बनाते हुए कुछ टाइम के लिए यहाँ पास पॉज होता है, यानी मार्केट साइड वे हो जाता है, फिर वहां से आपको एक ड्रॉप देखने को मिलता है, यानी रेड कैंडल यहाँ पास आपको देखने को मिलेगी। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, रैली बेस ड्रॉप। क्या कहेंगे दोस्तों, रैली बेस ड्रॉप। तो यहाँ पास जो जोन फॉर्मेशन हुआ दोस्तों, इस जोन को क्या कहेंगे, सप्लाई जोन दोस्तों। सॉरी, वहीं आपका दूसरा सप्लाई जोन जो क्रिएट होता है दोस्तों, ये मार्केट के कंटिन्यूएशन को यहाँ पास शो करता है दोस्तों। इसका जो पिक्चर होता है दोस्तों, वो इस तरीके से होता है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता होता है, फिर कुछ टाइम के लिए पॉज होता है, फिर वहां से गिरना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो इसको कहेंगे दोस्तों ड्रॉप, जो कि रेड कैंडल होती है, फिर बेस, यहाँ पे कुछ ग्रीन होंगी कुछ रेड होंगी दोस्तों, फिर उसके बाद यहाँ पास रेड कैंडल यहाँ पास आपको बननी दिख जाएंगे। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ड्रॉप बेस ड्रॉप। क्या हुआ दोस्तों फ्रेंड्स, ड्रॉप बेस ड्रॉप का पैटर्न यहाँ पास आपको शो कर रहा है दोस्तों। ठीक है, चलेंगे इसको चार्ट पे देखेंगे किस तरीके से ये सारे पैटर्न्स आपको चार्ट पे दिखते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये HDFC बैंक का चार्ट है दोस्तों। ठीक है, ये HDFC बैंक का चार्ट है, यहाँ पास मैंने आपके लिए ड्रॉप बेस ड्रॉप का पैटर्न यहाँ पास देखिए, ये ड्रॉप, ये हुआ बेस और ये हुआ ड्रॉप। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कोई भी कैंडल एक भी हो सकती है या एक से ज्यादा भी हो सकती है, चाहे वो रैली हो, चाहे वो ड्रॉप हो, चाहे वो बेस कैंडल हो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये वाली जो कैंडल है दोस्तों, ये एक ड्रॉप एक्साइटिंग कैंडल है दोस्तों, ये जो ब्लू कलर की कैंडल है दोस्तों, ये बेस कैंडल है, और ये जो रेड कलर की कैंडल है दोस्तों, ये क्या है, ये वापस एक एक्साइटिंग कैंडल यानी ड्रॉप कैंडल है दोस्तों। तो यहाँ पास आपको क्या पैटर्न मिला दोस्तों, ड्रॉप बेस ड्रॉप। क्या मिला दोस्तों, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप का ये पैटर्न आपको यहाँ पास देखने को मिला है दोस्तों। तो इस पैटर्न को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे ऐसा मुझे लगता है। तो चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पास जो आपको पैटर्न दिख रहा है दोस्तों, इसको कहेंगे दोस्तों, ये एक ग्रीन कैंडल, ये आपके रैली को शो करती है, ये आपकी दो बेस कैंडल जो कि यहाँ पास बेसिंग को शो करेगी, और उसके बाद ये रेड कैंडल, ये आपका क्या कहेगी, ड्रॉप को शो करेगी दोस्तों। तो ये क्या पैटर्न हुआ दोस्तों, रैली बेस ड्रॉप। कौन सा पैटर्न हुआ दोस्तों, रैली बेस और ड्रॉप। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पास चार पैटर्न बताया है दोस्तों, ये एक मार्केट का रिवर्सल है दोस्तों, जिसको कहेंगे रैली बेस ड्रॉप। ये मार्केट का कंटिन्यूएशन का पैटर्न है जो कि नीचे के साइड है, डाउनफॉल का, ड्रॉप बेस ड्रॉप। तीसरा पैटर्न मैंने आपको क्या बताया, डिमांड जोन का, ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, ड्रॉप बेस रैली। चौथा पैटर्न मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, रैली बेस रैली। तो ये चार तरीके से पैटर्न बनते हैं दोस्तों जो कि मार्केट को चलाते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां पास अगर मैं देखूंगा तो इन समरी में आप जाएंगे तो आपको यही समझ में आएगा दोस्तों, जो सप्लाई जोन होता है वो बेरिश होता है, यहां पास मार्केट क्या है, नीचे की तरफ प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ही जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पास क्या है, दो पैटर्न है दोस्तों सप्लाई जोन के, जो कि होते हैं रैली बेस ड्रॉप, और दूसरा होता है दोस्तों ड्रॉप बेस ड्रॉप। वहीं डिमांड जोन के भी दो पैटर्न होते हैं, जिसको हम कहते हैं दोस्तों ड्रॉप बेस रैली, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, रैली बेस रैली। ठीक है दोस्तों, तो बस यही चार पैटर्न आपको याद करने हैं चार्ट पे, जो कि आपको हमेशा दिखेंगे किसी भी चार्ट पे, किसी भी चार्ट पे, यानी आपके ऑप्शंस में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स पे, हर एक जगह करेंसी में आपको यही सारे चार पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, सप्लाई जोन के दो पैटर्न होते हैं जिसको कहते हैं रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप। डिमांड जोन के दो पैटर्न होते हैं, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली। जो मार्केट का रिवर्सल होता है वो क्या होता है दोस्तों, रिवर्सल का पैटर्न सप्लाई जोन का, रैली बेस ड्रॉप। डिमांड जोन का जो रिवर्सल का पैटर्न होता है वो क्या होता है, ड्रॉप बेस रैली। वहीं जो कंटिन्यूएशन का पैटर्न होता है दोस्तों सप्लाई जोन का, वो क्या होता है, ड्रॉप बेस ड्रॉप का। वहीं डिमांड जोन का जो कंटिन्यूएशन का पैटर्न होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, रैली बेस रैली। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं पास कंप्लीट करते हैं दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं जो कि यहां पास आपको देखना है। टोटल यहां पास मेरे हिसाब से 40 स्लाइड्स हैं दोस्तों, जहां पास आपको मैं यहां पास पूरा का पूरा सप्लाई डिमांड जोन का पूरा कोर्स यहां पास पढ़ाऊंगा विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल दोस्तों, जो कि आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा दोस्तों, जो प्रैक्टिकली चार्ट पे इसको कैसे देखा जाता है, किस तरीके से मार्क किया जाता है, क्या उसमें आपको देखना चाहिए, हर एक चीज यहां पास डिलीवर होगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आज का जो सेशन है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, जोन किस तरीके से बनते हैं दोस्तों, जोन का जो फॉर्मेशन होता है किस तरीके से होता है, कोर स्ट्रेटेजी का जो फॉर्मेशन होता है वो चार तरीके का होता है, दो सप्लाई जोन के, दो डिमांड जोन के। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और एक कमेंट जरूर करें दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।